बच्चों, आप सभी का हमारा चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश वर्कबुक लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं 6 से 8 के लिए है और इसका सीज़न 2022-23 है। सीजन मीन्स होता है सत्र 2022-23 के लिए पुस्तक बनाई गई है और यह पुस्तक राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से आज हम आपको जो उमंग समूह है आपका, जिसका ग्रेड 6 से 8 रहता है, उसकी जो वर्कशीट कार्य है वह पूर्ण कराएंगे। आज हम आपके लिए वर्कशीट 96 लेके आए हैं, 96 वर्कशीट। कौन सी? 96 लेके आए हैं। इसमें क्या दिया है देख लीजिए। फोन नंबर, यूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूर्ण करें। यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। तीन विकल्प दिए, तीन में से जो सही विकल्प है उसे चुनना है और जो सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूर्ण करेंगे और इस वाक्य को हम पूर्ण करेंगे। देखते हैं, चलो पहला नंबर क्या दिया हुआ है। ए काउ इज खालिस्तान ए फील्ड। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इन दिया है, ओन दिया है और अंडर, और काउ का यहाँ पे चित्र भी दिया है, काऊ की पिक्चर दी है। तो काऊ कहाँ क्या कर रही है? यहाँ घास दिख रहा है, तो ये घास का क्या है? मैदान, यानी गाय क्या है? घास के मैदान में है। तो एक काउ इज, तो यहाँ पे इन आ जाएगा, मे के लिए क्या आएगा? इन, इन आ फील्ड। तो आपका पहला जो ए नंबर था उसमें क्या आएगा? इन आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इन। फिर दूसरा देखिए, आई हैव एप्पल्स खालिस्तान द बास्केट, यानी कि इस बास्केट में क्या है? एप्पल है, सेव है। तो यहाँ पे मेक आ जा रहा है, मेक के लिए क्या आएगा? इन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर, सी नंबर क्या है? सी नंबर में क्या दिया हुआ है आपका? सी हैज़ हैट, हैट मीन्स टोपी, ऑन हर हेड, यानी कि सर पर, सर पर क्या है? टोपी है। तो यहाँ पे ऊपर के लिए क्या आ जाएगा? पर के लिए ओन आएगा। कोई भी चीज़ ऊपर रखी रहती है उसके लिए किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है? ओन। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ओन आएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, डी नंबर। डी नंबर में क्या कहा है देखिए, ए मंकी इज खालिस्तान ए ट्री। अब ये मंकी क्या है? ट्री के नीचे बैठा है, तो नीचे के लिए क्या आएगा? अप, अंडर। तो ए मंकी इज अंडर अ ट्री, क्योंकि पेड़ के नीचे कौन बैठा है? बंदर बैठा है। तो नीचे के लिए क्या आता है? अंडर। ऊपर के लिए क्या आता है? ओन। और इन मे के लिए क्या आता है? इन। फिर नेक्स्ट देखिए, द फिश आर, यहाँ पे क्या कहा है? द फिश आर क्यूरियम, द क्यूरियम। तो यहाँ खालिस्तान दिया है, तो देखिए ये क्यूरियम है, इसमें क्या है? फिश है, मे, इसके मे है, तो मे के लिए क्या आएगा? इन। तो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ होगा? इन। उसके बाद द कैट इज खालिस्तान द टेबल। अब देखिए टेबल है, टेबल पर क्या है? कैट, कैट मीन्स बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे। तो ऊपर के लिए क्या आएगा? ऑन। तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एफ नंबर तो कंप्लीट हुआ। इसके बाद जी नंबर देखेंगे। जी नंबर में क्या है देखिए, जी नंबर में दिया हुआ है आपका, द ट्री इज खालिस्तान द हाउस, यानी कि ये हाउस के आगे है, बाजू में है या पीछे है ट्री, पेड़। तो आप इस हाउस में, घर को देखिए, घर के पीछे है, पीछे के लिए क्या आएगा? बिहाइंड। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आ जाएगा? बिहाइंड, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। फिर एच नंबर देखिए, द बॉयज इज खालिस्तान द ट्री। तो बॉय क्या है? ट्री के नीचे है, तो अंडर, इसके लिए क्या आएगा? अंडर, द बॉयज इज अंडर द ट्री। नेक्स्ट आई नंबर, द बॉयज इज खालिस्तान हिज फादर एंड मदर। ये जो बॉयज है उसके फादर और मदर के क्या है? बिटवीन है, इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ है, बिहाइंड है। तो आप देख सकते हैं दोनों के काय में है, बीच में है, बीच के लिए क्या आएगा? बिटवीन। तो यहाँ आंसर में आ जाएगा, द बॉयज इज बिटवीन हिज फादर एंड मदर, लड़का उसके मम्मी और पापा के बीच में है। तो इस प्रकार से आपका जो
वर्षित 96 में क्या कहा था? यूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूर्ण करना था। तो हमने यहाँ पे जो सही विकल्प थे वह चुनकर वाक्य को पूरा कर दी। इस प्रकार आपकी वर्कशीट 96 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं 97, इसमें क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, राइट द कंप्लीट सेंटेंस, सही प्रीपोजिशन से वाक्य पूरे कर दोबारा लिखें। अब यहाँ पे आप इन चित्रों को देख सकते हैं। चित्रों को देखने के बाद जो नीचे दिया एग्जाम्पल के आधार पे आपको वाक्य को पूरा करना है। देखिए पहला वाक्य क्या दिया था, द गर्ल इज खालिस्तान द बिग बुक्स। तो ये जो बिग बड़ी पुस्तक है इसके पीछे है कौन? गर्ल, तो उसका आ जाएगा बिहाइंड। क्या आ जाएगा इसमें? बिहाइंड द बिग बुक्स। और इसी सेंटेंस को पुनः लिख देना है, द गर्ल्स इज बिहाइंड द बिग बुक्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बी नंबर क्या दिया, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग खालिस्तान द गार्डन। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए गार्डन में खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, तो इस में के लिए क्या आएगा? इन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये खाली खाली जगह पे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। और इसे पुनः जैसा का वैसा लिख देंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। फिर नेक्स्ट सी नंबर देखिए, इसका सी नंबर में कहा है द कैट इज स्लीपिंग खालिस्तान द चेयर। तो यहाँ पे देखिए ये चेयर है और ये कैट है, तो ये क्या स्लीपिंग कर रही, सो रही, कहाँ सो रही है? चेयर के नीचे, यानी कुर्सी के नीचे है। तो नीचे के लिए क्या आता है? अंडर बताया तो नीचे के लिए अंडर, तो क्या बन जाएगा इसका सही आंसर? द कैट इज स्लीपिंग स्लीपिंग अंडर द चेयर। और उसी सेंटेंस को पुनः जैसा का वैसा लिख दिए, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर। फिर थर्ड नंबर देखिए, द फॉक्स क्लम्बिंग खालिस्तान द ट्री, यानी कि क्या ये देखिए, ये फॉक्स ये क्या कर रही है? पर ऊपर यानी ट्री यानी पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। कौन? फॉक्स। तो ऊपर के लिए क्या आएगा? ऑन, द फॉक्स क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, काहे पे चढ़ रही है? पेड़ पे चढ़ रही है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट 97 में क्या कहा था, सही प्रीपोजिशन से वाक्य पूरे कर दोबारा लिखे। तो सही प्रीपोजिशन हमने लगा के या जो खालिस्तान जगह थी उसमें सही प्रीपोजिशन बताए और लिखे और उस वाक्य को पुनः लिखे बताए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है 97 समाप्त हुई। नेक्स्ट वर्कशीट आती है 98, इस वर्कशीट में क्या दिया देखते हैं। 98 में सी द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन ऑन अंडर बिहाइंड टू कंप्लीट द पैसेज, यानी कि इसमें कहा है चित्र देखकर इन ऑन अंडर बिहाइंड लिखकर वाक्य पूरा करें। पहले बता दी इन मे के लिए, ऑन ऊपर के लिए, अंडर नीचे के लिए और बिहाइंड पीछे के लिए। ये चार जो प्रीपोजिशन दी इनका यूज़ करना है हमें किसमें? इस चित्र देख के। अब चित्र को देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज़ होना है। आई एम अदिति, मैं अदिति हूँ। दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है। आई हैव अ बिग बेड, खालिस्तान माई रूम, यानी कि जो उसका बिग बड़ा बिस्तर है, बेड यानी बिस्तर होता है, उसके रूम में मैं है, किसमें है? मैं के लिए क्या आ जाएगा? इन। तो यहाँ हो जाएगा आई एम अदिति, दिस इज माई रूम, आई हैव अ बिग बेड इन माई रूम। फिर इसके नीचे दिया है देर इज अ टेबल नियर माई बेड, और फिर आ ए कंप्यूटर एंड ए लैम्प आर ऑन, और टेबल है और वहाँ पे क्या है? टेबल के ऊपर कंप्यूटर एंड आ लैम्प आर ऑन द टेबल, यानी किसके ऊपर? टेबल के ऊपर कंप्यूटर है यहाँ पे देखिए और लैम्प है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो फिल इन द ब्लैंक है खालिस्तान, इसमें ऑन आ जाएगा। कैन यू सी माई कैट T2, इट इज़ खालिस्तान माई कंप्यूटर, यानी मेरे कंप्यूटर के पीछे क्या है? देखिए जो T2 नाम की क्या है, केट है, वो किसके पीछे है? कंप्यूटर के पीछे। तो पीछे के लिए क्या आ जाएगा? बिहाइंड आ जाएगा माई कंप्यूटर। देर आर सम बॉक्सेस ऑन द फ्लोर, आई हैव गॉट
सम न्यू बुक्स दे आर खालिस्तान द बॉक्स, यानी कि जो नई बुक है वे कहाँ पे हैं, बॉक्स में, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज़ होगा। इसके बाद देखिए, कैन यू सी माई डॉग सेरू इट इज़ अंडर द बेड, और जो कुत्ता है मेरा सेरू नाम का वह किसके नीचे है, बेड के नीचे है, ये देखिए नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको हमने ये इन, ऑन, बिहाइंड और अंडर जो प्रीपोजिशन थे उनका यूज़ करके बताए, और उसके बाद कहाँ पे किसका यूज़ करना तो बता दी, फिर उसके बाद यहाँ क्या दिया, नाउ राइट द कंप्लीट पैराग्राफ, अब पूरा पैराग्राफ यहाँ लिखें। अब आपको क्या करना है, जो अभी हमने जहाँ प्रीपोजिशन जो खालिस्तान थे, फिल इन द ब्लैंक थे, उन्हें पूर्ण करके बताए, उसी पैराग्राफ को यहाँ पे आपको लिख देना है। तो हमने यहाँ लिख के नहीं बताया, आप इसे जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़े थे उस पैराग्राफ को पूरे को यहाँ पे नोट कर देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो 98 नंबर की क्या थी, वर्कशीट कंप्लीट होती है, और इसके पहले 97 थी। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे 96, 97 और 98 वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।